इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम HTML के नेक्स्ट टैग के बारे में समझते हैं। इससे पहले मैंने आपको HTML का इंट्रोडक्शन बताया हुआ था और HTML के टैग के बारे में समझाया हुआ है, आप उसके वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इमेज टैग के बारे में समझाऊंगा कि आप ब्राउजर में किसी भी इमेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं इमेज टैग की हेल्प से। इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, HTML लिखते हैं। HTML लिखने के बाद हम क्या करते हैं, टाइटल टैग लिखते हैं। टाइटल टैग में मैं फिलहाल कंप्यूटर ही लिख देता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, टाइटल टैग को बंद कर देता हूँ। टाइटल टैग को बंद करने के बाद हम क्या करते हैं, बॉडी लिखते हैं। और बॉडी लिखने के बाद हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इमेज टैग को अप्लाई करना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, IMG src और फिर इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद यहां हमें अपने इमेज की लोकेशन देनी होगी। इसके लिए इसको मैं क्या करता हूं, मिनिमाइज कर देता हूं नोटपैड को। यहां पर हम चलते हैं, जहां पर भी आपके कंप्यूटर में वॉलपेपर हो आप वहां पे जाइए, हो सकता है आपके किसी ड्राइव में हो। फिलहाल मैं क्या करता हूं, मैं अपने सिस्टम में PC में जाता हूं, देन इसके बाद एच ड्राइव में जाता हूं। और यहां आप देख सकते हैं इससे एक वॉलपेपर, इसको एक बार सिलेक्ट करता हूं, लेफ्ट क्लिक करके फिर राइट क्लिक करता हूं। राइट क्लिक करने के बाद इस तरह से एक लिस्ट आएगी और हम जाते हैं सबसे नीचे प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी पे जाते ही आप देखेंगे इस तरह से कुछ आ गया है। और यहां हमें क्या करना है, लोकेशन यानी आपके जो भी इमेज या वॉलपेपर फोटो कुछ भी हो उसका लोकेशन आपको यहां से करना है, सिलेक्ट कर लेना है। और देन इसके बाद हम इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, नोटपैड में जाएंगे और नोटपैड में हमें क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। लेकिन पेस्ट करने से पहले याद रखें इनवर्टेड कॉमा लगाना कंपलसरी है। फिर हम एडिट में जाएंगे और पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आएगा। और फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपका जो भी वॉलपेपर है उसका नाम आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। नाम कहाँ से मिलेगा, प्रॉपर्टी में ही आप जाइए, जो भी कुछ नाम आपका होगा यहाँ पर वॉलपेपर का वो इस बॉक्स में दिखाई देगा। इसको सिंपल, हालांकि नाम बहुत बड़ा है, आप चाहें तो इसको पहले छोटा कर सकते हैं। और फिर मैं इसको फिलहाल इसी को एज इट इज लिख देता हूँ। राइट क्लिक करके इसको भी मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और नोट पैड में क्लिक करके मैं इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद हमें फाइल का टाइप बताना होता है, यानी फाइल किस टाइप की है। तो फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं इसकी प्रॉपर्टी में और देखें आप टाइप ऑफ फाइल में लिखा है JPG फाइल, यहाँ ब्रैकेट में आप देख सकते हैं .jpg लिखा हुआ है। तो इसको क्या करते हैं, हम फिलहाल फुल स्टॉप लिखकर JPG लिख देते हैं और फिर क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाद इस तरह से ग्रेटर लगा देते हैं और फिर हम इंटर करने के बाद बॉडी बंद करते हैं। और बॉडी बंद करने के बाद HTML टैग को भी हम बंद कर देंगे। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है कोडिंग। और फिर हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम फाइल पर क्लिक करते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से बॉक्स आएगा। और फिलहाल मैं करता हूँ इसका नाम दे देता हूँ इमेज टैग इमेज फुल स्टॉप HTML और फिर क्या करते हैं, सेव पर क्लिक। ये मेरी फाइल फिलहाल देख सकते हैं डेस्कटॉप पर ही सेव होगी, मैं इसको सेव कर देता हूँ। और फिर इसको क्या करता हूँ, इसकी साइज में फिलहाल छोटी कर देता हूँ नोटपैड की। और ये पीछे ये खुला हुआ है डिस्क तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। और यहाँ डेस्कटॉप पे आप देखेंगे इमेज नाम की ये फाइल हमें दिखाई दे रही है, इस पर डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा इमेज हमें दिखाई दे रहा है कम्प्लीटली, हालांकि इसकी साइज बहुत बड़ी है। फिलहाल इसकी साइज छोटा कैसे करते हैं वो आगे देखते हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि टैग से क्या हुआ है, हमारी प्रॉपरली इमेज यानी जो उसका प्रॉपरली पूरा साइज है यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इमेज बहुत ही बड़ी है और इसकी साइज को चेंज करना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसको किस तरह से करते हैं ये देख लेते हैं। फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, रिस्टोर डाउन। और यहाँ आते हैं नोट पैड पर। नोट पैड में आने के बाद हमें इसी कोडिंग में छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, नोटपैड को फिलहाल बड़ा कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं क्या, हाइट। हाइट लिखने के बाद इक्वल लगाते हैं और इन्वर्टेड कॉमा में आप
मेज को कितना सेट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें हाइट दे दीजिए। फिलहाल मैं इसको 100 करता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा बंद करता हूँ, कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद लिखते हैं विड्थ यानी उसकी चौड़ाई। यहाँ पर हम क्या करते हैं, विड्थ लिखने के बाद इक्वल लगाते हैं और यहाँ इन्वर्ट कॉमा में हम लिख देते हैं 100 और इन्वर्ट कॉमा फिर से बंद कर देते हैं। जैसे हमने इसकी क्या हुई है, इसकी साइज को फिट कर दिया है। और फिर हम इसको सेव करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल एस दबाने के बाद नोट पैड की साइज को मैं कर देता हूँ छोटा और ब्राउजर की साइज को कर देता हूँ बड़ा। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी साइज है, लेकिन मैं जैसे ही रीलोड दिस पेज पे क्लिक करूंगा तो इसकी साइज में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। मैं क्लिक करता हूँ रीलोड दिस साइज, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं इसकी साइज चेंज हो गई है, जो इमेज बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी उसकी साइज छोटी हो चुकी है। अब एक और चीज है, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी हाइट या विड्थ यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई जो भी डिजिट देंगे उसके अकॉर्डिंग ब्राउजर में उसकी इमेज की साइज चेंज होती रहेगी। मैं एक बार और एग्जांपल दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिलहाल यहाँ 100 हटाकर 200 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसकी विड्थ 150। अपर मैं कंट्रोल दबाता हूँ कीबोर्ड से नोट पैड में रहते हुए और नोट पैड में फाइल को सेव करने के बाद ब्राउजर पर जाता हूँ और रीलोड दिस पेज पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं आप इसकी साइज में फिर से चेंज आ गया है। तो यहाँ पर आपको मैंने इमेज टैग के अंदर ये समझाया है कि आप इमेज की साइज को भी किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टैग सीखने वाले हैं वो हमारा टेबल टैग है। टेबल क्या करता है, जब हम किसी भी टेबल को बनाते हैं उसमें रो और कॉलम बनकर हमारी एक टेबल बनती है। हम HTML में कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ सबसे पहले HTML लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, देन इसके बाद मैं टाइटल लिखता हूँ। टाइटल में फिलहाल मैं कंप्यूटर ही लिख देता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ टाइटल टैग को बंद कर देता हूँ। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर बॉडी लिखते हैं और बॉडी लिखने के बाद फिर एंटर करते हैं और यहाँ से हमारा टेबल टैग स्टार्ट हुआ। टेबल टैग लिखने के लिए हमें करना क्या होगा, सिंपल से हम क्या करेंगे यहाँ पर टैग लिखेंगे टेबल और टेबल के बाद हमें क्या करना होगा टेबल का बॉर्डर देना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर और इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद हम इसमें फिलहाल 1 लिख देते हैं। ये 1 क्या होगा, जो हम बॉर्डर लगाएंगे उसके चारों तरफ जो लाइन आएगी उसे हम क्या कहते हैं बॉर्डर कहते हैं और ये 1 की साइज में हमें शो होगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसकी विड्थ देता हूँ और फिर इक्वल लगाने के बाद 100% करते हैं इसको। फिर हम इसमें ग्रेटर देन लगाते हैं। यहाँ पर आने के बाद फिर हम करते हैं इंटर और फिर हम करते हैं यहाँ पर TR टैग को ओपन। TR टैग हमारा क्या होता है, टेबल रो कहलाता है, यानी कि टेबल रो हम जानते हैं कि हमारा क्या होगा, एक पूरी की पूरी टेबल बनेगी जिसमें रो कॉलम और फिर उसमें होते हैं सेल। तो हमारा क्या होगा, एक रो कंप्लीट आएगी TR टैग से। TR का पूरा नाम होता है टेबल रो टैग और इसके अंदर हमें करना होगा TD टैग का यूज करना होगा। हम एंटर करते हैं, TD टैग का पूरा नाम होता है टेबल डेटा, यानी कि हम कौन सा डेटा यहाँ पे लिखना चाहते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ और TD को बंद कर देता हूँ। इसके बाद एंटर करता हूँ और फिर इसमें TD फिर से लिखता हूँ और यहाँ पर मैं एक्सेल लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे TD टैग फिर से क्लोज हो जाएगा। देन इसके बाद एक और लास्ट में क्या करता हूँ TD लिखता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ पावर पॉइंट और फिर मैं क्या करता हूँ TD टैग को फिर से बंद कर देता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे TD टैग एक बन गया है और फिर मैं एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद यहाँ पर TR टैग को बंद कर दूंगा। TR टैग को बंद करने के बाद हमें क्या करना होगा, बॉडी टैग को बंद करना होगा। बॉडी टैग बंद कर देता हूँ। बॉडी टैग बंद करने के बाद हमें HTML टैग को बंद करना होगा। HTML टैग बंद कर देते हैं और फिर हमें क्या करना है, इस फाइल को हम दोबारा सेव करते हैं। दोबारा सेव करने के लिए फाइल पर क्लिक करते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं और सेव का बॉक्स आएगा। हम डेस्कटॉप पर ही फाइल सेव कर देते हैं। इसका नाम मैं फिलहाल क्या करता हूँ टेबल दे देता हूँ, टेबल HTML और फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं इसको मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के बाद आप देखेंगे डेस्कटॉप पर टेबल टैग दिख रहा है, हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने पर आप देखेंगे कि ब्राउजर में आपको एक पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, रो दिख रही है जिसके अंदर आपको सेल दिख रहे होंगे। ये हमारा क्या लिखा है, मैटर लिखा है। अगर हम चाहते हैं कि हमें क्या करना है, इसकी साइज को मैं छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर नोट पैड खोल लेता हूँ जिससे अपना दोनों ही रिजल्ट आपको दिखाई दें। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपको एक और इसके नीचे रो चाहिए तो आपको करना क्या होगा, जहां मैंने TR टैग बंद किया है जस्ट इसके बाद बॉडी और TR टैग के बीच में फिर से हमें
टीआर टैग को ही ओपन करना होगा। टीआर टैग को ओपन करने के बाद फिर हम करते हैं इंटर, फिर टी लिखते हैं और फिर यहाँ पर लिख देते हैं फिलहाल वन। इस तरह से मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको, टी डी बंद कर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं टी डी टैग को फिर से ओपन करेंगे और फिर यहाँ पे टू लिख देते हैं और टी डी टैग फिर से बंद कर देंगे। फिर हम क्या करते हैं टी डी ओपन करते हैं और टी डी टैग को ओपन करने के बाद यहाँ थर्ड लिख देते हैं और फिर यहाँ पर टी डी टैग को बंद कर देते हैं। और अब हमें क्या करना है, टी आर टैग को बंद करना है, तो क्या करके हम टी आर टैग को बंद कर देंगे। टी आर टैग को बंद करने के बाद हमें इस फाइल को दोबारा सेव करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाना होगा और ब्राउजर में जाके रीलोड दिस पेज करेंगे हम। तो आप देख रहे होंगे अभी वन रो हमें शो हो रही है, लेकिन हमें इसके नीचे सेकंड रो दिखाई देगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को क्रिएट कर सकते हैं टेबल के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बॉर्डर है यानी टेबल का, वो बॉर्डर का टेबल ग्रोथ होना चाहिए यानी उसकी साइज थोड़ी चेंज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, टू की जगह यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल फोर और कंट्रोल एस दबाते हैं नोटपैड में और फिर रीलोड दिस पेज करेंगे तो आप देखेंगे कि बॉर्डर की साइज में चेंज आ गया है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टेबल के बॉर्डर में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपका मैटर इस तरह से शो हो कि बॉर्डर शो ही ना हो, यानी कि टेबल का जो बॉर्डर है वो दिखाई ना दे लेकिन मैटर दिखाई दे, तो यहाँ सिंपली आप कीजिए जीरो कर दीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाइए नोटपैड में और फिर रीलोड दिस पेज कीजिए, तो आप देख पाएंगे कि आपका मैटर दिख रहा है लेकिन इस समय टेबल का बॉर्डर शो नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, टेबल टैग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस तरह से मैटर को शो कर सकते हैं टेबल फॉर्मेट में। इसके साथ साथ देख लेते हैं हम नेक्स्ट टैग, जो हमारा रहेगा मार्क क्यू टैग। मार्क क्यू क्या करता है, मार्क क्यू एक ऐसा टैग होता है जो हमारे लिखे हुए टेक्स्ट को मूव करता है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लेटर सिंपल लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई लेटर है यानी कैरेक्टर है वो क्या हो, मूव हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा इस कोडिंग में चेंज करते हैं, इतना हम क्या करते हैं इसको रफ कर देते हैं और यहाँ बॉडी के बाद क्या करते हैं मार्क क्यू टैग का यूज करेंगे। मार्क क्यू एक ऐसा टैग होता है, लिखे हुए लेटर को क्या करता है, मूव करता है। हम करते हैं मार्क क्यू और फिर हम क्या करते हैं यहाँ लिख देते हैं इंटर कंप्यूटर एजुकेशन और फिर हम यहाँ पे मार्क क्यू टैग को बंद कर देंगे। यहाँ पे मार्क्यू टैग बंद करने के बाद बॉडी टैग बंद कर देंगे और बॉडी टैग बंद करने के बाद HTML टैग को भी बंद कर देंगे और फिर क्या करते हैं कंट्रोल एस दबाते हैं, यानी कि ये फाइल हमारी पहले से सेव है तो हम कंट्रोल एस दबाते हैं और फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर रीलोड दिस पेज करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको ये लेटर मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इसकी साइज को बड़ा कर देता हूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं ये लेटर क्या होगा, यहाँ से लेफ्ट टू राइट में मूव हो रहा है, यानी कि हमारे इस तरह से लेटर चले गए हैं और राइट साइड से फिर से यहाँ पर इंटर हो गए हैं यानी कि आने लगे हैं। इस तरह से मैंने आज आपको इस तीन टैग के बारे में समझाया हुआ है। आज हमने HTML में इमेज टैग के बारे में जाना है, यानी कि हम किस तरह से इमेज टैग से कोई भी वॉलपेपर ब्राउजर पर लगा सकते हैं। इसके बाद फिर हमने टेबल टैग के बारे में जाना है कि हम किस तरह से TR और TD टैग की हेल्प से अपनी किसी भी एक टेबल को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। देन इसके बाद हमने मार्क क्यू टैग के बारे में जाना है कि हम किस तरह से किसी भी टेक्स्ट को मूव करा सकते हैं मार्क क्यू टैग की हेल्प से। यहाँ मैंने आज आपको इन टैग के बारे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।